रिसेंटली ना हमारे घर पे एक छोटा सा डिस्कशन चल रहा था कि यार एक गाड़ी लेनी है तो कौन सी ली जाए। सबके अपने अपने ओपिनियंस थे। पापा ने बोला पेट्रोल लेते हैं, मैंने बोला नहीं ईवी लेते हैं, बहन ने बोला पिंक वाली लेंगे और वाइफ ने बोला कि सनरूफ होनी चाहिए। वुमेन बेसिकली पापा का कहना था कि पेट्रोल ही ठीक है क्योंकि ईवी में हम स्टार्टिंग में इतनी ज्यादा कॉस्ट दे देते हैं कंपनी को, देन वही कॉस्ट धीरे धीरे करके हमको फ्यूल के फॉर्म में रिकवर होती रहती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज के सिनेरियो के हिसाब से एक ऐसी कैलकुलेशन बना के देखूं जिससे मुझे ब्रेक इवन पॉइंट पता चलेगी कि कितने टाइम में एग्जैक्टली मैं अपने पैसों को रिकवर कर पा रहा हूं, एंड देन एक्चुअल में हमको पता चल जाएगा कि आज की डेट में क्या वाकई में पेट्रोल आज भी सस्ता है या फिर नहीं, आज की डेट में लें तो ईवी ही लें। इस कैटेगरी में ना पहले कुछ और वीडियोस भी बनाई हुई है, जैसे कि मैंने फोर व्हीलर में नेक्सॉन का पेट्रोल वर्सेस ईवी बनाया हुआ है, ओला का S1 Pro वर्सेस एक्टिवा का 5G एंड टाटा टाइगर का CNG वर्सेस ईवी भी बनाया हुआ है। तो अब जो यहां पे एक नया मॉडल आया है गाड़ी का जो तीनों ही वेरिएंट्स को केटर कर रही है, तो ये काइंड ऑफ एक यूनिक वीडियो हो गया क्योंकि यहां पे पेट्रोल CNG एंड ईवी हम तीनों की कॉस्ट को लेके चलेंगे। तीनों ही ऑप्शंस में हम चेकआउट करेंगे कि हमको कितना पैसा भरना पड़ रहा है ओवर द इयर्स एंड इवेंचुअली सस्ती कौन सी पड़ रही है, कितनी पड़ रही है एंड जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो कहां पे आके फॉल कर रहा है। तो अब देखो आज की डेट में अगर एक मिडिल क्लास फैमिली को एक अंडर 10 लाख रुपीस की गाड़ी चाहिए हो तो एक ही ऑप्शन है मार्केट के अंदर जो तीनों कैटेगरीज के अंदर फॉल कर रहा है, वो है टाटा की टियागो। अब ये टियागो जो है ना पेट्रोल में तो शुरू से आ ही रही है, कुछ टाइम पहले से सीएनजी में भी आनी स्टार्ट हो गई एंड अभी रिसेंटली इन्होंने एक ईवी वाला मॉडल भी इसका अनाउंस किया। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी गाड़ी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाए जो सारा कैलकुलेशन का है, क्या वाकई में कुछ पैसे बच भी रहे हैं या फिर ये ईवी सब स्कैम हो रखा है। अब बात आ जाती है मॉडल्स की, कौन कौन से मॉडल को लिया जाए इस कंपैरिजन में जिससे एक अच्छा सा इक्वलाइज्ड टाइप से सिस्टम हो, क्योंकि क्या है वेरिएंट्स काफी सारे आते हैं ना ऊपर नीचे। तो पेट्रोल का मैंने यहाँ पे लिया XZ+ एंड देन पेट्रोल प्लस सीएनजी का जो इनका वेरिएंट आता है उसमें भी सेम मॉडल XZ+। ईवी का लिया है मैंने XE Base। अब इन तीनों मॉडल्स को अगर आप चेकआउट करोगे तो इंटीरियर्स एंड एक्सटीरियर्स एंड जितने भी जो एडिशनल फीचर्स आते हैं ना वो ऑलमोस्ट सेम फीचर्स मिलेंगे आपको। तो मॉडल डिसाइड हो गया, अब बात आ जाती है कॉस्ट की, कितने रुपए की हमको ऑन रोड ये गाड़ियां पड़ रही है। सबसे पहले मैं पेट्रोल को बताता हूँ, एक्स शोरूम इसकी 6,82,900 के आसपास है एंड देन RTO इंश्योरेंस जोड़ के ये गाड़ी हमको पड़ रही है 7,70,000 के आसपास। इसी तरीके से पेट्रोल एंड सीएनजी वाला वेरिएंट देखें तो एक शोरूम 7,72,000 एंड ऑन रोड 8,68,000 का। ऑन दी अदर हैंड ईवी को देखते हैं तो 8,49,000 की इसकी एक शोरूम है एंड इसके बाद इंश्योरेंस जुड़ जाएगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन RTO यहाँ पे वेव्ड ऑफ है अभी के लिए गवर्नमेंट की तरफ से एंड देन ऑन रोड इसकी प्राइस पड़ रही है 8,85,000। कैलकुलेशन में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले एक वेरिएबल है जो कि है रनिंग कितनी करेगी गाड़ी। यहाँ पे मेरा केस अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है एंड देन XYZ सब लोगों का अलग अलग यूज केस है। किसी को दिन में 50 किलोमीटर चलानी है, किसी को हफ्ते में 50 किलोमीटर चलानी है एंड किसी को महीने में 2,000-3,000 किलोमीटर भी चलानी है। तो सबके यूज केस अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पे एक कैलकुलेशन को एक स्टेबिलिटी देने के लिए मैंने कॉमन सा फिगर ले लिया है 1,000 किलोमीटर पर मंथ विच इक्वेट्स टू 12,000 किलोमीटर पर ईयर। इसके बाद बात आ जाती है फ्यूल कॉस्ट की। अब देखो ये भी अगेन एक वेरिएबल है, मेरे यहाँ पेट्रोल है 96 रुपीज का, हो सकता है आपके यहाँ 100 का हो एंड देन अगेन और किसी के यहाँ हो सकता है 102-104 रुपए का भी हो। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पे वेरिएबल है, कोई यूनियन टेरिटरी में रह रहा हो तो उसको काफी सस्ती पड़ेगी, अगर कोई टीयर 1 सिटी में हो तो उसको थोड़ी सी महंगी एंड देन टीयर 3 सिटीज में कंसिडरेबली थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है। तो यहाँ पे एक स्टेबल कॉस्ट लेके चल रहा हूँ मैं इलेक्ट्रिसिटी की 10 रुपीज, जो कि अप्रोक्सीमेटली मेरे जैसे शहर आगरा में अप्रोक्स 8-8.5 रुपए चल रही है एंड इसके बाद थोड़ा सा मैंने यहाँ पे ना गैप लेके चल रहा हूँ जिसको हम बोलते हैं चार्जिंग लॉस। बेसिकली अगर हम गाड़ी को चार्जिंग पे लगा रहे हैं तो थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी लॉस हो जाता है, जितने यूनिट्स लगने चाहिए उससे थोड़ा सा ज्यादा लगता है 100% चार्जिंग एफिशिएंसी को पहुंचने के लिए। उसको भी कंसीडर करने के लिए मैंने एक स्टेबल अमाउंट ले लिया है 10 रुपए, जिसके अंदर सारा लॉस भी कवर हो गया, ऑलमोस्ट सारी जगहों का इससे ज्यादा कॉस्ट नहीं आएगा। अब हमको ये कैलकुलेट करना होगा कि कितना फ्यूल एक्चुअल में लग रहा है, कितनी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन आ रही है 12,000 किलोमीटर जो हमने लिया है उसको गाड़ी चलाने के लिए। उसके लिए यहाँ पे पेट्रोल के केस में देखते हैं तो पेट्रोल का रेट अगेन मैंने अपनी सिटी वाला ले लिया क्योंकि मोस्टली पूरे इंडिया में 95-100 के आसपास में चल रहा है, तो यहाँ पे मैंने 96-33 का रेट ले लिया है। एवरेज पे आ जाते हैं, अब एवरेज कितना लेंगे अगेन ये एक वेरिएबल फैक्टर है, मेरी ड्राइविंग की जो टेक्निक है अलग हो सकती है, आपकी अलग हो सकती है, सबके हाथ अलग होते हैं, थोड़ा सा हार्डवेयर में भी फर्क हो सकता है जो अगेन रिजल्ट करता है एक डिफरेंट माइलेज हर गाड़ी का। अब इस पर्टिकुलर गाड़ी की बात करें तो कंपनी तो 27 किलोमीटर पर लीटर बोल रही है, ऑनलाइन सर्चेस करें कुछ रिव्यूज वगैरह चेक करें तो उन्होंने 20 के आसपास का बोला, लेकिन वो भी मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा ना डाइसी सा ही है, तो मैंने यहाँ पे और ज्यादा सेफ होने के लिए 17 किलोमीटर पर लीटर का ले लिया है। 27 कंपनी बोल रही है तो
17 तो आ ही जाएगा। तो यहाँ पे 96 का रेट पेट्रोल का एवरेज है 17 किलोमीटर, 12,000 किलोमीटर गाड़ी चलानी है तो कॉस्ट पर किलोमीटर आ गया 5 रुपीज 66 पैसा। इसी तरीके से अगर हम सीएनजी को देखें तो सीएनजी का अगेन यहाँ पे रेट जो है 84 रुपीज के आसपास यहाँ पे चल रहा है 12,000 किलोमीटर चलानी है, एंड सीएनजी के अंदर जो एवरेज मैंने लिया है 23 का इजिली आ जाता है। यहाँ पे कॉस्ट पर किलोमीटर निकल के आ गई 3 रुपए 63 पैसे, 3.63 रुपीज। अब बात आ जाती है ईवी की, तो ईवी के लिए जैसा मैंने बताया रेट जो है उसका 10 रुपए लिया है, लेकिन यहाँ पे बात है मेन रेंज की कि भाई रेंज का क्या सीन निकल के आएगा। कंपनी क्लेम कर रही है यहाँ पे 250 किलोमीटर, लेकिन हमने अभी तक जितने भी सारे ऐसे ईवी के प्रोडक्ट्स देखे हैं मार्केट में कोई भी क्लोज टू 80% भी पहुंच नहीं पाता है। तो यहाँ पे मैंने ना इसका 250 बोल रहे हैं तो 150 तो दे ही देंगे ना, तो मैंने 150 का एक लेके चल रहा हूँ, तो 150 किलोमीटर गाड़ी चल जाएगी। अब बैटरी जो है वो यहाँ पे 19.2 किलोवाट आवर की, विच मीन्स इस बैटरी को 0 से 100 पहुंचने के लिए 19.2 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। अगर आप अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल देखोगे तो वो किलोवाट आवर के अंदर ही आता है, विच मीन्स मीटर के 19.2 यूनिट्स का मतलब यहाँ पे हो गया इस बैटरी को फुल चार्ज करना। अगेन यहाँ पे जो लॉस होगा वो हम ऑलरेडी प्राइस के अंदर कैलकुलेट कर चुके हैं, विच मीन्स 150 किलोमीटर हमको इस गाड़ी पे ईवी में चलने के लिए हमको जो बिजली खर्च करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी 19.2 यूनिट्स। 10 रुपए का यूनिट है तो 192 रुपीज, एंड 150 किलोमीटर इसके अंदर चलानी है तो कॉस्ट ऑफ पर किलोमीटर निकल के आ गया 1.2 रुपीज। बहुत मेजर डिफरेंस आ गया ना यहाँ पे पेट्रोल और ईवी का। लेकिन अभी थोड़ी सी कहानी और चेंज हो जाएगी, कोई भी गाड़ी लेता है तो एक साल के लिए तो नहीं लेता, एटलीस्ट मतलब मिडिल क्लास वाले लोग जो टॉप टीयर वाले हैं वो तो हर साल क्या हर महीने भी बदले क्या ही फर्क पड़ता है उनको। अब यहाँ पे अगर हम 5 साल के लिए गाड़ी चला रहे हैं तो यहाँ पे भाई ऐसा तो सीन है नहीं कि प्राइसेस सेम रहेंगे फ्यूल के, यहाँ पे पेट्रोल के भी प्राइस चेंज होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के भी चेंज होंगे, एंड सीएनजी के भी चेंज होंगे। तो ये एक वेरिएबल यहाँ पे भी लेके चला हूं मैं, ईयर ऑन ईयर का 10% ग्रोथ। अगर हम पेट्रोल को देखते हैं तो भाई 3-3, 4-4 रुपए एकदम से बढ़ जाते हैं, पता भी नहीं चलते। अगेन इलेक्ट्रिसिटी को भी आप देखोगे तो 7 रुपए चल रही थी कुछ 3 से 4 साल पहले, एंड आज की डेट में देखते हैं तो 10 रुपए के आसपास में आ गई है, 30% 40% इजिली बढ़ गया। सीएनजी के साथ में भी यही केस है, 2 साल पहले का रेट आप चेक करो, आज का चेक करो, आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। तो 10% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखें तो पहले साल में हमारा जो पेट्रोल लग रहा है वो लग रहा है 67,920 रुपीज का, दूसरे साल में 74,000, पांचवे साल में 99,000, एंड अगर पूरे 5 साल का फ्यूल जोड़ के देखोगे तो 4,14,000 रुपए का सिर्फ आप पेट्रोल भरा चुके हो। इसी तरीके से सीएनजी को देखते हैं तो पहले साल में आप 43,000 की सीएनजी भरवा रहे हो, पांचवे साल में 63,000 की, एंड इवेंचुअली 5 साल के बाद आप 2,65,000 रुपए की तो सिर्फ सीएनजी भरवा चुके हो। अब बारी है ईवी की, अगर पहले साल में देखो तो 14,400 रुपए की, पांचवे साल में 21,000 रुपए की, एंड एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स आपके जो इलेक्ट्रिसिटी खर्च कर चुके हो वो आप कर चुके हो 88,000 रुपीज की। तो डिफरेंस आया पेट्रोल लग रहा था 4 लाख से ज्यादा का, एंड जो बिजली लग रही है वो 88,000 की लग रही है। बात यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती, अगर आप गाड़ी 5 साल के लिए चला रहे हो तो भाई सर्विस भी तो करवाओगे, सर्विस की कॉस्ट भी तो जोड़नी पड़ेगी ना, मगर रेगुलर जो सर्विसिंग कराते हैं गाड़ियों की। तो यहाँ पे सर्विसिंग की देखो बहुत सारी अलग अलग चीजें रहती है, ड्राइविंग यूसेज पैटर्न्स के ऊपर डिपेंड करता है सर्विस जो है कॉस्ट वो कितनी आ रही है। लेकिन अगर मैं नॉर्मल जनरल पब्लिक अवेलेबल डेटा को देखूं तो CarDekho.com पे मुझे कुछ यहाँ पे नंबर्स मिले जो कि बताते हैं कि पेट्रोल की गाड़ी अगर है यूजुअल ये वाली पर्टिकुलर, पहले साल में 3500 की, एंड इसी तरीके से हर साल की कैलकुलेट करें तो 5 साल में मिनिमम आप 16,000 रुपए की सर्विसेज तो आप करवाओगे। इसी तरीके से सीएनजी एंड पेट्रोल पे सेम चलता है। अगर ईवी को देखेंगे तो यहाँ पे आप पहले साल में कम लगता है कॉस्ट, पांचवे साल तक आते आते थोड़ी सी कॉस्ट बढ़ जाती है क्योंकि कुछ इलेक्ट्रिक पार्ट स्टार्टिंग में नहीं बल्कि एंड ऑफ द 3rd एंड 4th ईयर में सर्विसिंग मांगते हैं, तो यहाँ पे जो कॉस्ट आई वो 20,000 रुपए के आसपास आई। तो 5 साल के बाद आपकी कॉस्ट ऑफ ओनरशिप कितनी रही, गाड़ी आपने खरीदी वो कॉस्ट हो गई, फ्यूल की कॉस्ट हो गई, सर्विस की कॉस्ट हो गई, एंड इन सारी चीजों की आप फाइनल 5 साल के बाद आप कितने रुपए खर्च कर चुके हो अपनी ट्रैवलिंग में बाय द मीन्स ऑफ योर कार। तो पेट्रोल के केस में आपने 7,70,000 की गाड़ी खरीदी, 4,14,000 का पेट्रोल भराया, एंड अगेन 16,000 रुपए आपने सर्विसिंग पे खर्च करे, विच कम्स डाउन टू 11,99,000 रुपीज, क्लोज टू 12 लाख रुपए आप खर्च कर चुके हो। सीएनजी के केस में देखें तो 8,68,000 की आपने गाड़ी खरीदी थी, देन 2,65,000 की सीएनजी भरवाई, एंड सर्विसिंग कॉस्ट जोड़ के आप एट द एंड में 11,50,000 रुपए खर्च कर चुके हो। पेट्रोल से 50,000 रुपए बचा लिए भाई सीएनजी में। अब ईवी को भी देख लेते हैं, ईवी कार आपने खरीदी थी 8,85,000 की, एंड यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एंड जो सर्विसिंग है वो सब जोड़ जाड़ के 9,92,000 पे आपका खर्चा हो गया खत्म। एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स आपने 2 लाख रुपए ज्यादा खर्च ऑलरेडी कर चुके हो पेट्रोल के केसेस में। अब अगर आप ध्यान से ईयर 4 एंड ईयर 5 के फ्यूल एक्सपेंसेस देखो तो आपको पता चलेगा ये 2 लाख रुपए आप लास्ट के 2 सालों में ही पे करें आपने, 3 साल के बाद ऑलमोस्ट आप
एक ब्रेक इवन या इक्विलिब्रियम पे आ जाओगे जब आप पेट्रोल एंड ईवी को एग्जैक्ट सेम मेथड पे कंपेयर कर सकते हो। भाई अगर आपने ईवी खरीदने के लिए स्टार्टिंग में अगर ज्यादा पैसे दे भी दिए तो वो 3 साल के अंदर आपके फुल रिकवर हो रहे हैं एंड 3 साल के बाद आप जितनी भी गाड़ी चला रहे हो वो 1.20 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से चला रहे हो। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, ये प्राइसिंग जो है ना जो हमने अभी ली इस कैलकुलेशन के अंदर ईवी कार की कॉस्ट ऑफ ओनरशिप की, ये कंपनी ने अभी बोला है कि सिर्फ स्टार्टिंग के 10,000 लोगों के लिए एप्लीकेबल है एंड देन उसके बाद थोड़ी सी प्राइसिंग इंक्रीज हो सकती है। मैं समझ लेता हूँ 1,00,000 रुपए तो बढ़ा ही देंगे अगर ईवी का इतना हाइप बना रहे हैं ये लोग। तो उस केस में भी अगर मैं ये मान के चलूं कि आप स्टार्टिंग के 10,000 बुकिंग्स के अंदर आपका नंबर नहीं आया, आपने उसके बाद अप्लाई करी उसके बाद खरीदी, तो भी ईयर 4 के एंड में आप एग्जैक्टली ब्रेक इवन पे आ जाओगे पेट्रोल के केस में देखो तो। अगेन यहाँ पे पॉलिटिकल एंड वर्ल्ड ट्रेड की फैक्टर्स भी बहुत ज्यादा इंप्लीकेट करते हैं पेट्रोल की कॉस्ट में, जो इस कैलकुलेशन को हाइप अप करके चले गए। लेकिन ये भी फैक्टर माइंड में रखना जरूरी है कि ईवी की अगर डिमांड मार्केट में बढ़ रही है तो इवेंचुअली वहां पे पेट्रोल की कॉस्ट उतनी ज्यादा बढ़ेगी नहीं। 5th ईयर के एंड में हमारे पेट्रोल की कॉस्ट आ रही है 154 रुपीज। तो अगर आपको लगता है कि आज से 5 साल के बाद 150 रुपए का पेट्रोल हो जाएगा तो डेफिनेटली ये कैलकुलेशन ऑन ट्रैक है। दूसरी तरफ वही पुरानी कहानी, लड़ाई आ जाती है पेट्रोल वर्सेज ईवी की। भाई ईवी के साथ हमेशा रेंज एंग्जाइटी रहती है कि कितने किलोमीटर बाद बंद नहीं पड़ जाए, कहीं रस्ते में बाहर लेके नहीं जा सकते। पेट्रोल के केस में तो हमको पता है कि भाई ठीक है अवेलेबिलिटी हर किलोमीटर पे अवेलेबल है। सीएनजी को देखें तो पहले से बहुत ज्यादा अच्छी अवेलेबिलिटी हो गई है, ऑलमोस्ट बड़े शहरों में तो सब पे हर जगह मिली जाती है, छोटे शहरों में भी हर दूसरे पेट्रोल पंप पे सीएनजी आजकल अवेलेबल है, एटलीस्ट नॉर्दर्न स्टेट्स का जितना मैं घूमा हुआ हूँ उतना तो यही है। बाकी आप अपने एरिया का मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। वहीं पे ईवी को देखें तो वो अभी काफी ज्यादा ना एक डेवलपिंग स्टेज के अंदर है। अगर सिटी के अंदर ही अंदर आपको चलानी है एंड घर के अंदर आपको चार्ज करनी है, ओवरनाइट चार्ज करनी है, उस केस में तो अच्छा है, लेकिन आप शहर के बाहर लेके जा रहे हो तो वो इतना ज्यादा आज की डेट में भी फीजिबल है नहीं। ऑल्दो टाटा एंड बाकी के अदर ब्रांड्स भी काफी सारे बोल रहे हैं कि बड़े बड़े जो हैं चार्जिंग नेटवर्क्स ये लोग बना रहे हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी से ना थोड़ा सा दूर ही है जितना मुझे लगता है कि भाई पहाड़ों पे सपोज मुझे जाना है तो क्या अब मैं अपनी गाड़ी लेके जा पाऊंगा? क्या मुझे लग रहा है कि भाई पता चला जी मसूरी की जगह देहरादून में ही बंद पड़ गई है, अब वहां पे अलग से 2-3 घंटे खड़े रहो उसको फुल चार्ज करने के लिए? तो ये थोड़ी सी चीज है यहाँ पे जो ईवी के अंदर अभी भी, जब तक फास्ट चार्जिंग वाली ज्यादा टेक्निक सब जगह अवेलेबल नहीं हो जाए तब तक थोड़ा सा मामला ढीला ही है। तो आई होप मेरे पापा आप सेटिस्फाई हो गए होंगे इस वाली कैलकुलेशन से, उनको समझाने में थोड़ा सा इजी रहेगा कि भाई 3 साल के अंदर अंदर हमारा जो कॉस्ट की बात चल रही थी वो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। आप बताओ आपको क्या लगता है, ईवी लेना इस टाइम पे क्या वाकई अब टाइम आ गया है ईवी लेने का या फिर नहीं अभी भी पेट्रोल का ही टाइम है? ईवी एटलीस्ट 5 साल लगेंगे यहाँ से अगर हम नेक्स्ट कार को देखेंगे अपनी परचेज को, वो ईवी लेना ज्यादा बेहतर रहेगा? तो ये डिबेट काफी लंबी हो सकती है, दोनों तरफ के पगड़े भारी हैं। आपका जो भी ओपिनियन हो नीचे कमेंट करके बता दो एंड अपने दोस्तों फैमिली के साथ शेयर कर देना वीडियो, जिससे थोड़ा सा अलग अलग व्यूज जो होंगे ना सबके वो पता चल जाएंगे कि भाई कौन क्या सोचता है। एंड अगर कोई वेरिएबल मैं इस कैलकुलेशन में डालना भूल गया हूं तो वो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता दो, जिससे कि नेक्स्ट वर्जन जो हम इसका बनाएं वो और ज्यादा बेहतर निकल के आए एंड ज्यादा लोगों के ऊपर एक इफेक्टिव रहे। तो ये वाली वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना एंड पता ही है सब्सक्राइब का बटन इधर है अगर दबाना हो तो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक लिस्ट है सेफ है सकास्टिक सिया।